कहावत है कि दिल्ली की कुर्सी का रास्ता यूपी के राजनीतिक गलियारों से ही होकर गुजरता है और उत्तर प्रदेश की राजनीति जिस तरीके से करवट लेती है उसका पलड़ा अपने आप भारी हो जाता है। अब भले ही यूपी में अभी विधानसभा चुनाव में 3 सालों का वक्त है, लेकिन 2024 लोकसभा चुनाव में एक अच्छी बंपर जीत के बाद अखिलेश ने 2027 में अब यूपी फतह करने के लिए अपने मोहरे अभी से सेट करने शुरू कर दिए हैं और इसके लिए उन्होंने पीडीए प्लान को एक्सटेंड और मजबूत करने के मिशन पर काम करना शुरू कर दिया है। अब ऐसे में यहां सवाल ये कि योगी के खिलाफ पीडीए क्या 2027 में मुश्किल में आ जाएगा एनडीए, आज इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। साथ ही ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि मायावती के वोट बैंक में सेंध सबको क्या चौंकाने वाले हैं अखिलेश। इसी पर चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लेकिन उससे पहले सुनिए किस तरह प्रतिक्रियाएं यूपी में, जिस तरह से समीकरण बदल रहे हैं, जीत हार का जो खेल, यूपी की 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, 27 लगातार टारगेट पर है, क्या कुछ बयान सामने आए हैं, पहले उस पर नजर डालिए। समाजवादी पार्टी अपने आप को पीडीए में समेटने का पूरा प्रयास कर रही है। ये बड़े सवाल हैं कि नेता प्रतिपक्ष विधानसभा उत्तर प्रदेश में कौन बने, निश्चित तौर पर वो पीडीए का ही कोई व्यक्ति होगा। देखिए, अभी समाजवादी पार्टी की पहचान आदरणीय नेताजी की वजह से चरखा दांव की होती थी और उस चरखा दांव से वो उत्तर प्रदेश और देश की राजनीति में अच्छे अच्छों को चित कर देते थे। आज की परिस्थितियों में आदरणीय अखिलेश यादव जी ने समेटा दांव चला है और ये समेटा दांव ऐसा है कि उन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश में विभिन्न पीडीए के लोगों को आपस में एकजुट करके एक ताकत बनाई और वही ताकत बीजेपी को 4 कदम पीछे ले गई। देखिए, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष का निर्णय समाजवादी पार्टी उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी को लेना है कि शिवपाल यादव जी नेता प्रतिपक्ष बनेंगे या इंद्रजीत सरोज जी या रामचल राजपक्ष। लेकिन भाजपा सरकार में जिस तरीके से दलितों को दबाया जा रहा है, पिछड़ों के साथ धोखा हुआ, आरक्षण के नाम पर उनकी नौकरियों को भाजपा सरकार लूट रही, तो ऐसे में यदि कोई दलित समाज से नेता प्रतिपक्ष उत्तर प्रदेश की विधानसभा में बनेगा तो एक अच्छा संदेश जाएगा, एक दलितों में एक सशक्तिकरण का संदेश जाएगा। कोई दलित समाज से, पिछड़े समाज से बनेगा तो हम उसका स्वागत करेंगे। देखिए, समाजवादी पार्टी का अपना अंदरूनी मसला है कि वो किसे बनाए, परंतु ये जरूर है कि उनका पीडीए केवल दिखावे का है। पीडीए का मतलब परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी भर, वो परिवार को आगे बढ़ाने के रहते हैं और बाकी लोगों को केवल वोट भर के इस्तेमाल करते हैं। ये उनका इतिहास रहा है, ये नई चीज़ नहीं है। अब आने वाले दिनों में वो क्या करेंगे ये तो उनको मालूम होगा, परंतु ये है कि वोट बैंक को धोखा देने की जो राजनीति है ये बहुत दिन नहीं चलती। जनता अब जाग रही है और ये आने वाले उपचुनाव में और आने वाले विधानसभा चुनाव में जनता इसका जवाब देगी।